मॉर्निंग गाइस, मायसेल्फ अनामिका मिश्रा। आज हम लोग डीसी मशीन के आगे कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे हम लोग जनरेटर और मोटर दोनों को साथ में लेकर चल रहे थे, जिसका हमने देखा था कि कंस्ट्रक्शन सेम था और वर्किंग भी सेम था। बस वहाँ पे जनरेटर में वर्किंग फ्लेम के राइट हैंड रूल पर हो रही थी और मोटर में हम फ्लेम के लेफ्ट हैंड रूल पर उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बाकी फेराडेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। आपको पता ही है, फेराडे ने कहा था कि किसी भी दो मैग्नेट के बीच में किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख करके अगर घुमाया जाएगा तो उसमें एक फोर्स का अनुभव होता है, जिससे कि टॉर्क डेवलप हो जाता है। यही फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत है। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डीसी मशीन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसका टाइप्स ऑफ डीसी मशीन। हमारा सबसे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन अगर देखेंगे तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर, ठीक है। दो टाइप के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है सेल्फ एक्साइटेड मैग्नेट जनरेटर और एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड। एक होता है हमारा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला, सेल्फ एक्साइटेड मतलब जिसके अंदर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण हो, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण वो खुद से स्टार्ट हो जाए, उसी को हम कहेंगे सेल्फ एक्साइटेड। और सेपरेटली एक्साइटेड मतलब कि जिसको हम बाहर से सोर्स देंगे स्टार्ट होने के लिए। अभी हम आपको डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम से क्लियर होगा कि सेपरेटली एक्साइटेड के लिए बाहर से एक सोर्स देना होगा हमें, तब जाके वो स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर सेल्फ एक्साइटेड में तीन पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा सीरीज डीसी जनरेटर, दूसरा होता है संट डीसी जनरेटर और तीसरा होता है हमारा कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है। फिर हम कंपाउंड डीसी जनरेटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा शॉर्ट सेल कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग सेल कंपाउंड जनरेटर। एक होता है हमारा, यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट सेल। इसके बाद भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक कम्युलेटिव टाइप होगा और एक डिफरेंशियल टाइप होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है कम्युलेटिव टाइप और दूसरा होता है डिफरेंशियल टाइप, ठीक है। अब कम्युलेटिव टाइप को फिर दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा शॉर्ट सेल कंपाउंड
काउंटर मीटर और दूसरा क्या होगा हमारा लॉन्ग सेंट कंपाउंड मीटर, लॉन्ग सेंट कंपाउंड मीटर, ठीक है। इसके बाद फिर से तीन पार्ट में डिवाइड होगा और अंडर डैम्प्ड होगा, एक ओवर डैम्प्ड होगा और एक मिडिल का होगा, ठीक है। वो भी तीन पार्ट में फिर जा सके डिवाइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ओवर वाले का यूज कहाँ करते हैं, सेल्फ का यूज कहाँ करते हैं, सेपरेटली का कहाँ पे करते हैं, सीरीज का, सेंट का, कंपाउंड का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए डीसी मशीन था हमारा दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक परमानेंट मैग्नेट जनरेटर बना, उसमें हम परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करेंगे। परमानेंट मैग्नेट का यूज करने से फ्लक्स क्या होगा हमारा स्थाई होगा, फ्लक्स स्थाई मैग्नेट के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। और इसमें फ्लक्स कांस्टेंट होगा क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, कोई भी एक मैग्नेट है, अगर हम उसे बैटरी लगा कर एक सप्लाई दे देंगे उसमें करंट बहने लगेगा तो उसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। और जैसे ही अगर बैटरी हटा लेंगे तो वो अपने मैग्नेटिज्म के गुण को लगभग 90% तक खो देगा, तो वो क्या हुआ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सेल्फ एक्साइटेशन जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट मैंने बताया ना अभी करंट सप्लाई देने पर, जब हम सप्लाई को हटा लें और उसमें हल्का सा मैग्नेटिज्म का गुण रह जाए यानी कि चुंबकत्व का गुण रह जाए तो उसी से सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बन जाता है। और जिसमें बिल्कुल भी ना रहे रेजिडेंट मैग्नेट बचे ही ना तो उसको हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जिसको हम बाहर से सोर्स दे करके स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। फिर सेल्फ को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, एक सीरीज डीसी जनरेटर, एक शंट डीसी जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर दो पार्ट में बता, एक कम्युलेटिव टाइप और डिफरेंशियल टाइप। फिर कम्युनिटी टाइप दो पार्ट में बता, एक शॉर्ट सन कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग सन कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट से और एक एक करके आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास सीरीज जनरेटर, सीरीज जनरेटर का डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पर एक फील्ड वाइंडिंग होगी, पहले यहाँ पर एक आर्मेचर बना लीजिए, ठीक है। ये क्या है हमारा आर्मेचर है और यहाँ पर हमने वाइंडिंग की हुई है, ये हमने मोटे तार से की हुई है, ये देखिए तार जो है वो मोटा है, अगर सेंट का करेंगे तो वहां पे तार पतला हो जाएगा, मोटे तार से वाइंडिंग की गई है। अब देखिए यहां ये क्या है लोड है, ये लोड है, ये यहाँ पे जो करंट आ रही है वो आयल हो गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे आर्मेचर है, ये आर्मेचर ए आर, यहाँ पे जो करंट आ रही है वो क्या है आईएल हो गई, और इस वाइंडिंग में जो करंट जा रही है वो क्या है आईएसई यानी कि सीरीज वाइंडिंग है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आरएसई, यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा एजी यानी आर्मेचर से हमें एजी मिलेगा और करंट होगी तो एजी आईए जनरेटेड ईएमएफ और आईए, ठीक है। अब हम देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है कि इसकी विशेषता देखिएगा, सीरीज जनरेटर में मोटे तार होते हैं, मोटे तार से वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, मोटे तार से वाइंडिंग की जाती है, पहला पॉइंट। नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो कम होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, जिससे देखिए R is equal to क्या होता है, R is equal to होता है रो एल अपॉन में ए, तो जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे उसका रेजिस्टेंस k
क्या होगा? ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है इसका? ज्यादा होता है। तो सीरीज वाइंडिंग हम करते वक्त मोटे तार का यूज करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स को कम रखते हैं, जिससे कि हमारा रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो ज्यादा होता है। अगर इसमें लोड नहीं होगा, ठीक है, अगर लोड नहीं होगा तो ये एज अ ओपन सर्किट काम करेगा। मान लीजिए हम यहाँ से अगर लोड हटा देंगे तो ये क्या होगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा ना। इसी कारण से लोड के बढ़ने पर फील्ड करंट का मान बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाएंगे, लोड को बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा? फील्ड करंट का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है। चूंकि सीरीज जनरेटर है इसलिए आईए इज इक्वल टू आईएसई, यानी तीनों करंट आपस में बराबर होंगे, इज इक्वल टू आईए। आर्मेचर का करंट, सीरीज का करंट और लोड का करंट तीनों आपस में बराबर ही होंगे। सीरीज जनरेटर की कुछ खासियत होती है, इस जनरेटर को हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे चलाना चाहिए। इस पे कांस्टेंट स्पीड पे, क्योंकि इसकी कांस्टेंट स्पीड पे क्यों? एन प्रोपोर्शनल टू होता है, एन प्रोपोर्शनल टू होता है, यहाँ से देखिए ईजी स्क्वायर टू होता है बी प्लस आई ए इंटू आर ए, ठीक है। ईजी स्क्वायर टू होता है बी प्लस आई ए आर ए, आई ए इंटू आर ए। अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलाया जाएगा, क्वेश्चन पूछा है बताइए सीरीज जनरेटर में अगर स्पीड को कांस्टेंट ना रखा जाए तो उस टाइम में इसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ही डेंजरसली हो जाएगी, मतलब बहुत ही खतरनाक हो जाएगी। इसीलिए हमेशा सीरीज जनरेटर जो होता है उसको कांस्टेंट स्पीड पे चलाना चाहिए। अब इसका उपयोग क्या है? ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर, एज अ बूस्टर की तरह यूज करते हैं, एज अ बूस्टर की तरह यूज करते हैं। इतनी बातें सबको क्लियर है? उसके बाद आते हैं हम संट जनरेटर पर। मतलब देखिए सीरीज जनरेटर से आपसे इतने टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। पहली बात कि कौन सा जनरेटर है जिसमें मोटे तार और कम टर्न्स की वाइंडिंग होती है? सीरीज जनरेटर। इसमें कांस्टेंट स्पीड पे चलाना चाहिए सीरीज जनरेटर को। अगर हम कांस्टेंट स्पीड पे नहीं चलाएंगे तो स्पीड बहुत ही डेंजरसली हो जाएगी, जिससे हमारी मोटर जल भी सकता है। तीनों करंट इसमें आपस में बराबर होंगे, ठीक है, और ये हम ट्रांसमिशन लाइन में एज अ बूस्टर की तरह इसका यूज करते हैं। फिर हम आते हैं संट जनरेटर पर। ये मान लीजिए कोई आर्मेचर है, ठीक है, और यहाँ पर ये संट मंडी है। यहाँ पे हमने क्या किया है? लोड लगा दिया है। ये क्या लगाया हमने? लोड। मतलब ए आर, तो यहाँ से क्या निकलेगा? ईजी और आई ए, ठीक। यहाँ पे जो करंट रहेगी वो रहेगी आई ए, यहाँ पे जो करंट जाएगी वो क्या होगी? यहाँ से जो करंट निकली वो क्या होगी? आई एस एच, मतलब कि सेंट करंट, और यहाँ पे जो करंट आई वो क्या होगी? आई एल, ठीक है, आई एस एच हो गया, आई एल हो गया। सीरीज वाइंडिंग की वाइंडिंग सीरीज में होती है और संट वाइंडिंग की वाइंडिंग पैरेलल में होती है, आर्मेचर के पैरेलल में की जाती है। ये जो होती है वो पतले तार अधिक नंबर ऑफ टर्न्स, अधिक नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग होती है, अधिक नंबर ऑफ टर्न्स की वाइंडिंग
छोटी है। इससे इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है? कम होता है, क्योंकि आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन में एक। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को, सॉरी, अगर इसकी वैल्यू को हम कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर इसकी वैल्यू कम करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही थी, वैसे यहाँ पर है। तो ये हमारा शंट जनरेटर है। इसमें हमने जो शंट वाइंडिंग की हुई है वो आर्मेचर के पैरेलल में की हुई है। यहाँ पे लोड लगाए हुए हैं। पतले तार से और अधिक नंबर ऑफ टर्न्स से हम इसकी वाइंडिंग करेंगे। कभी भी इसे बहुत अधिक लोड पे नहीं चलाना चाहिए, मतलब लोड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, कांस्टेंट लोड। इसको कैसे कांस्टेंट लोड पे चलाना चाहिए? अगर बहुत ज़्यादा लोड अधिक हो जाएगा तो लोड का रेजिस्टेंस अपने एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने के बाद, मतलब पहले तो बढ़ेगा, यहाँ पे अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापस आने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको हमेशा कांस्टेंट लोड पे चलाते हैं सन जनरेटर को। इसमें क्या होता है, आर्मेचर करेंट इज इक्वल टू आई ए, आर्मेचर करेंट इज इक्वल टू फील्ड करंट, मतलब कि आई एस एच ही तो हमारी फील्ड है यहाँ पे, सन करंट और प्लस आई एल यानी कि लोड करंट। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट का। अगर आपसे आई एस एच की वैल्यू दे देगा और आई ए पूछेगा तो आप इसको इधर करके निकाल सकते हैं। देखिए आई एस एच इज इक्वल टू आई एल माइनस आई ए, और यहाँ पे तीनों आपस में करंट बराबर थी, किसी की भी एक करंट की वैल्यू अगर देगी तो वो तीनों आपस में इक्वल रहेगा। उसके बाद इसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में, यहाँ पे लिखना है यहाँ पर यूज कहाँ कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, बैटरी चार्जिंग में, बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बैटरी चार्जिंग इन सारी जगहों पे यूज करेंगे। एक्साइटर में, लाइटिंग लोड के लिए, जहाँ पे लोड कम हो, काम यहाँ एक्साइटर में भी यूज करते हैं, एक्साइटर, लाइटिंग लोड, लाइटिंग लोड के लिए, यानी लोड जहाँ पे कम हो वहाँ पे भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सन जनरेटर। सन जनरेटर से आप लोग सीरीज और सन जनरेटर दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। सीरीज में वाइंडिंग जो होगी वो आर्मेचर के सीरीज में ही होगी, और सेंट में जो वाइंडिंग होगी वो आर्मेचर के पैरेलल में होगी। हम पर आते हैं कंपाउंड जनरेटर। वाइंडिंग की जाए उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड जनरेटर कहेंगे। अब सीरीज और संट दोनों टाइप की वाइंडिंग हो रही है, तो अगर सीरीज वाइंडिंग है तो वो आर्मेचर के सीरीज में, और अगर संट वाइंडिंग है तो पैरेलल में। तो यहाँ पर हम संट वाइंडिंग बनाएंगे। ये हो गई हमारी संट वाइंडिंग। यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया आर्मेचर, ये क्या हो गया आर्मेचर, और आर्मेचर के सीरीज में हमने एक कौन सी वाइंडिंग जोड़ी, सीरीज वाइंडिंग जोड़ी। दोनों वाइंडिंग से मिलकर के कंपाउंड जनरेटर बना, यहाँ पे लोड लगा दे, ये क्या है लोड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा एजीआई है, मतलब जनरेटर ईएमएफ, और आर्मेचर करंट यहाँ से जो करंट जा रही है वो क्या है आई है। एक करंट इधर की साइड आई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे आई एस एच। कौन सी वाइंडिंग है ये, संट वाइंडिंग है, तो उस संट वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा जिसको हम कहेंगे
RSH, ठीक है। ये क्या है हमारा, यहाँ से जो करंट निकली वो कौन सी करंट थी, सीरीज करंट मतलब ISE, और इस वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, उसको हम क्या कहेंगे, RSE, यानी कि सीरीज रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जो करंट आई वो क्या थी, IL, यानी कि लोड करंट, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ISE इज इक्वल टू सीरीज करंट, सीरीज करंट आई एस एच इज इक्वल टू संट करंट और आर एस एच इज इक्वल टू संट रेजिस्टेंस, उसके बाद आई एल इज इक्वल टू लोड करंट, लोड करंट। इसमें हम दो टाइप के जनरेटर का यूज कर रहे हैं, आपको बताया, एक सीरीज का और एक शंट का। ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक डिफरेंशियल और एक कम्यूटेटिव। उसमें जो कम्यूटेटिव टाइप का जनरेटर होता है वो बहुत ही काम का जनरेटर होता है, ठीक है। वो लोड फ्लक्चुएट करे, जहाँ वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो, स्पीड को हम कम ज़्यादा करना हो, वहाँ पे हम कम्यूटेटिव टाइप जनरेटर का यूज़ करते हैं। और डिफरेंशियल टाइप जनरेटर का यूज़ बस जनरली क्या मतलब, मैक्सिमम हम बस आर्क का जब काम करते हैं, आर्क वेल्डिंग जब करते हैं, तो उस टाइम हम डिफरेंशियल टाइप के यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यह है आपका कम्युलेटिव टाइप। कम्युलेटिव टाइप जनरेटर में क्या होता है, जिसमें सीरीज का फ्लक्स और संट का फ्लक्स दोनों आपस में ऐड हो, वो कौन सा जनरेटर होगा, सीरीज जनरेटर होगा, मतलब कि एक ही दिशा में हो। और डिफरेंशियल टाइप जनरेटर में, डिफरेंशियल टाइप जनरेटर में सीरीज और संट माइनस हो, मतलब सीरीज का फ्लक्स और संट का फ्लक्स दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। अगर विपरीत दिशा में होंगे तो वो डिफरेंशियल होगा। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग में, ठीक है। कहाँ पे यूज करेंगे, आर्क वेल्डिंग में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, कम्युलेटिव टाइप का हम यूज डिस्ट्रीब्यूशन में, फैक्ट्री में, रेलवे में, कहाँ कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन, 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 फैक्ट्री, फैक्ट्री, रेलवे, रेलवे, इन सब जगहों पे हम कम्युनिटी टाइप का यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ तीन जनरेटर बताए हैं, एक बताए हैं सीरीज, संट और कंपाउंड। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टडी करेंगे, और दो जनरेटर आपके सेपरेटली एक्साइटेड और परमानेंट मैग्नेट जनरेटर हैं, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।